है जीटीवी न्यूज। यूपी के खुर्जा में किन्नरों द्वारा एक व्यक्ति को बेहोश कर उसका भुगतान काटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दो किन्नर और एक पूर्व प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र का है। 17 फरवरी को जब हीना नाम के किन्नर ने खाना बनाने के बहाने उससे अपने ड्राइवर पूर्व प्रधान शमशु के घर बुला लिया, तभी पीड़ित को चाय परोसी गई, लेकिन बबलू को नहीं पता था कि वो चाय जो पी रहा है उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ है। चाय पीने के बाद पीड़ित बबलू बेहोश हो गया। अगले दिन जब बबलू को होश आया तो उसमें देखा कि उसका गुप्तांग कटा हुआ है और वो किसी घर में कैद है। पीड़ित बबलू का आरोप है कि हीना, पिंकी और पूर्व प्रधान ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, उसे भूखा रखा और उसका गुप्तांग भी काट लिया। जैसे तैसे पीड़ित उस कैद से आजाद होकर पुलिस के पास पहुंचा और सारी घटना पुलिस को बताई। पीएसए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू गोस्वामी है। अच्छा, पिताजी का नाम क्या आपके? मेरा पिताजी का नाम है ओम प्रकाश गोस्वामी। अच्छा, निवासी कहाँ के हैं? पारा पानी टंकी मकान नंबर 11 सही। अच्छा, क्या मामला हुआ है? अभी आपने पुलिस को भी शिकायत दी है, क्या मसला है? मतलब ये हुआ था, इन नए गंज में खुशीपुरा में पिंकी हीना मुझे लिवा के ले गए थे। प्रधान जी तुम्हें बुला रहे हैं इनके उत्तान। मैं वहाँ पे पहुँचे, मुझे चाय पिलाई थी। चाय पिलाने के बाद में मुझे होश नहीं था, क्या हुआ मुझे 24 घंटे होश आया तो मैंने देखा मेरा अंग भंग कुछ भी नहीं है। मैं इन्होंने मुझे बेल्ट से मारा, भूखा प्यासा रखा और मेरे बाल काटे। जो है मैं अलिया बारात लेने के ले गए तो मैं वहाँ से भाग कर निकले तो मेरे पीछे आदमी लगे थे मारने के लिए, फिर मुझे पब्लिक ने मुझे बचाया। कब का मामला है ये? मुझे 17 तारीख को ले गए थे और कल मैं भाग के आए हैं रात को। अब आपने पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। मेरी सहायता करो, मैं गरीब बच जाऊं, मेरा कुछ कोई भी नहीं है। खुर्जा देहात के क्षेत्र में एक अंग काटने का मामला है, सर क्या मामला है? ये दिनांक 17/2020 को की घटना है। बबलू गोस्वामी अहिरपाड़ा का रहने वाला था, जो किन्नर पिंकी और हिना और शमशु प्रधान के साथ जो है ढोलक बजाता था, ये इनके साथ गया और उसको चाय में कुछ पिला के बेहोश कर दिया गया और इसका प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, जिसके संबंध में खुर्जा देहात में मुकदमा कायम हो चुका है 42/20 क्राइम नंबर, और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल भेज दिया सर जी।